WWE की सबसे खतरनाक फाइट्स। नंबर 5, क्रिस जेरिको वर्सेस शॉन माइकल्स। 2008 में क्रिस और शॉन के बीच होने वाली यह फाइट बेहद खतरनाक थी, जिसमें इतना खून बहा था कि ऐसा लगने लगा था कि यह फाइट किसी एक की मौत के बाद ही खत्म होगी। दोनों रेसलर्स में से कोई भी मैदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। नंबर 4, ट्रिपल एच वर्सेस बटिस्टा। 2005 में होने वाली इस फाइट के दौरान दोनों ही रेसलर्स को काफी गंभीर चोटें आई थी। देखने में ऐसा लगता था कि मानो दोनों खिलाड़ी ही रिंग में एक दूसरे की जान लेने के लिए आए हैं। नंबर 3, अंडरटेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर। 2002 में होने वाली यह फाइट रेसलर्स के लिए ना सिर्फ एक फाइट थी, बल्कि अपनी ताकत साबित करने का एक मौका था। अंडरटेकर किसी भी कीमत पर इस फाइट में हारना नहीं चाहते थे और ब्रॉक लेसनर भी रिंग से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थे। नंबर 2, ट्रिपल एच वर्सेस कैक्टस जैक। 2002 में लड़ी गई इस फाइट में दोनों रेसलर ही हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरा, यह फाइट एक जाल में लड़ी गई थी, जिस कारण यह और भी ज्यादा खतरनाक साबित हुई। नंबर 1, अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल। 1957 में लड़ी गई इस फाइट को आज तक की सबसे खतरनाक फाइट माना जाता है। जब शरीर से काफी ज्यादा खून निकलने लगा तब जाकर इस फाइट को रोका गया था।